हेलो दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं 1080p 60 FPS पर हाई टू अल्ट्रा सेटिंग पर गेमिंग और साथ ही साथ आप इसको करना चाहते हैं YouTube पर लाइव स्ट्रीम तो और आपका बजट है 40,000 रुपये और 40,000 रुपये के बजट में आप ये सारे जो है सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो 40,000 रुपये के बजट में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे PC कंपोनेंट जिनमें जिसको आप बिल्ड करके काफ़ी अच्छा गेमिंग PC बना सकते हैं, जिसमें कि आप 1080p 60 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं हाई टू अल्ट्रा सेटिंग और साथ ही साथ इसको YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और इस PC बिल्ड की एक काफ़ी अच्छी बात ये भी होगी कि इसमें आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह के साथ साथ और भी प्रोडक्टिविटी के वर्क है, जैसे कि आप फोटोशॉप है, वीडियो एडिटिंग है, इमेज एडिटिंग वगैरह भी है, ये सारे काम भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें उससे पहले। तो आइए देखते हैं, तो आइए हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने प्रोसेसर लिया है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 3500। ये थर्ड जनरेशन का काफ़ी अच्छा लेटेस्ट इनका प्रोसेसर है। ये 6 कोर 6 थ्रेड का प्रोसेसर है और इसकी जो है ये सिंगल कोर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और अगर आप केवल गेमिंग करना चाहते हैं और काफ़ी अच्छी सेटिंग्स पर अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। ये थर्ड जन का प्रोसेसर है और 3.4 GHz की वेव फ्रिक्वेंसी के साथ आने वाला प्रोसेसर है, जिसको आपके 4.1 GHz तक जो है बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 16 MB की कैश मेमोरी भी मिल जाती है। तो ये AMD का थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है और काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है और गेमिंग के मामले में ये समझ लीजिए इस समय ये गेमिंग किंग है अपने बजट के मामले में, क्योंकि ये इस समय मात्र 10,500 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप गेमिंग के साथ साथ स्ट्रीमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं और भी प्रोडक्टिविटी के काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको और थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने आपको यहाँ पर चूज़ किया है AMD की तरफ से ही आने वाला सेकेंड जनरेशन का AMD Ryzen 5 2600। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। ये 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर में आपको 3.0 GHz का बेस क्लॉक मिल जाता है, जिसको कि आप 3.9 GHz तक बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको 19 MB की कैश मेमोरी भी मिल जाती है। लेकिन ये सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है और ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, क्योंकि इसमें थ्रेड ज़्यादा है। तो थ्रेड ज़्यादा होने से आपको जो है मल्टीटास्किंग और जो है स्ट्रीमिंग वगैरह में ये आपको काफ़ी अच्छी मदद कर देगा। और ये इस समय जो है लगभग 11,500 से लेकर 12,000 के बीच में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको केवल गेमिंग करनी है, आपको स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं करनी है, तो Ryzen 5 3500 का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें स्ट्रीमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं, फोटोशॉप का काम करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करना चाहते हैं, तब फिर आप जो है Ryzen 5 2600 जो है काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड हमने लिया है ये GigaByte की तरफ से आने वाला B450 मदरबोर्ड। ये 4 RAM स्लॉट के साथ आने वाला मदरबोर्ड है, काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। इसमें आपको M.2 स्लॉट वगैरह भी मिल जाता है। तो ओवरऑल ये मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा है और इन दोनों के कंपेटेबल है। आपको इसमें जो है थोड़ा सा, अगर आप थर्ड जनरेशन वाला अगर आप लेते हैं, अगर आप ये 3500 ले रहे हैं थर्ड जनरेशन वाला, तो हो सकता है आपको इसमें अपडेट कराना पड़े। तो मदरबोर्ड जो है B450 मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा है और ये इस समय 5,800 से लेकर 6,000 रुपये के बीच में मिल जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है इससे और हाई एंड या 6,000 रुपये MSI वगैरह के मदरबोर्ड में डालने की। अगर हम बात करें रैम की, तो रैम का तो केवल एक ही चॉइस है, ऑलराउंडर रैम Corsair की तरफ से आने वाली Venzex LPA पे हमने 8 GB की 2 RAM ली है, यानी कुल 16 GB हमने यहाँ पर रैम ली है 3000 MHz पर। तो ये रैम जो है इस समय आपको लगभग 3,000 रुपये के लगभग में एक सिंगल स्टिक मिल जाएगी, लगभग 6,000 रुपये आप मान के चलो। और अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह में देखें तो ये आपको 5,500 रुपये के लगभग में आपको में दोनों स्टिक जो है मिल जाएंगी। तो आइए हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक्स की कार्ड की अगर हम बात करें, तो क्योंकि आपको ओवरऑल अच्छी गेमिंग तो जो है ग्राफिक कार्ड से ही होनी है, तो ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पर लिया है RX 570 काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। और ये ग्राफिक कार्ड जो है 4GB वाला हमने इसमें वेरिएंट लिया है। ये इस समय लगभग आपको 11,000 रुपये में अमेजोन पर मिल जाएगा। और ये मतलब थोड़ा सा पावर जो है ये थोड़ी ज़्यादा लेता है, लेकिन ग्राफिक कार्ड जो है बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है। और अगर आप इससे थोड़ा सा और अगर हायर जाएं तो फिर आप 1650 सुपर भी ले सकते हैं। ये 14,000 रुपये के लगभग में आपको मिल जाएगा और ये ग्राफिक कार्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो ग्राफिक कार्ड जो है इन दोनों में से आपका जैसा भी बजट हो आप इन दोनों में से ले सकते हैं। RX 570 भी काफ़ी अच्छा है और 1650 सुपर भी काफ़ी अच्छा है। ये दोनों ग्राफिक 1660 सुपर में आपको एक चीज़ का एडवांटेज मिल जाएगा, इसमें आपको ट्रेंडिंग इनकोडर वगैरह मिल जाएगा, जिससे आपको लाइव स्ट्रीमिंग करने में काफ़ी अच्छी मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने ग्राफिक कार्ड ये दोनों लिए हैं, इन दोनों में से आप कोई भी एक ग्राफिक कार्ड जो है चूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई हमने यहाँ पर लिया Corsair की तरफ से आने वाली BS 450। RX 550 में थोड़ा लगभग कह सकते हैं कि ये थोड़ा पावर ज़्यादा लेता है, लेकिन 450 में आपका काम हो जाएगा।
अगर हम कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट हमने ली है एंड एस्पोर्ट की तरफ से आने वाली आइस 200 TG, ये काफ़ी अच्छी जो है कैबिनेट है। इसमें आपको RGB फ्रंट पैनल मिल जाता है। देखिए कैबिनेट की अगर हम बात करें तो कैबिनेट जो है आपके बजट के ऊपर है, आप उसमें कितना और ज़्यादा इन्वेस्ट करके आप कैबिनेट 4000 की 5000 की भी ले सकते हैं, लेकिन इस कैबिनेट में आपका काम बन जाएगा। मेन काम है आपको गेमिंग में, गेमिंग आपकी कितनी अच्छी आपको देता है, तो गेमिंग कंपोनेंट पर यानी जो बेसिक कंपोनेंट है आप उन पर ज़्यादा पैसे खर्च करके इसमें आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अब हम बात करें इसमें स्टोरेज की, तो स्टोरेज के लिए हमने लिए यहाँ पर WD ग्रीन 240 GB की यहाँ पर SSD। ये SSD ही यहाँ पर एक काफ़ी है आपकी 240 GB की, क्योंकि SSD ही लगाना, बहुत से लोग यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने 1 TB की आप इसमें हार्ड डिस्क वगैरह भी ले लीजिए, तो 1 TB की हार्ड डिस्क जो है आपका गेमिंग तो आपको SSD ही कराएगी, 1 TB की जो है आप हार्ड डिस्क अगर ले सकते हैं अगर आपको बैकअप वगैरह चाहिए हो। तो ये सारे जो कंपोनेंट आप इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छी गेमिंग और कर सकते हैं 1080p 60fps पर, हाई टू अल्ट्रा सेटिंग पर आपकी इसमें इन कंपोनेंट के साथ गेमिंग हो जाएगी, और ये लगभग आपको 40,000-40,500 के लगभग में इसे मार्केट में मिल जाएंगे। और इन सारे ही प्रोडक्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से आप इनको परचेज करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।